दर्शकों का स्वागत है आपका वॉइस ऑफ फैमिली में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल। और इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ताजा अपडेट को लेकर, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बारिश का जो मौसम है और जो काले बादल छा जाते हैं बारिश के पहले, कहीं ना कहीं अब पूरा मौसम जिस तरह से बन चुका है। और ऐसी खबर आ रही है लगातार कि नीमच के कई क्षेत्रों में बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, और पहले तेज हवाएं चली, तेज आंधियां चली, जिसके बाद में बारिश जो है नीमच के कई क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है। और इसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भी शाम तक जो है बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। और इसे कहा जा रहा है कि पहले बौछारें शुरू होंगी, जिसके बाद में ये बारिश भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, लगातार जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा था, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जिस तरह से जारी हो रहे थे, और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, राजधानी भोपाल के अंदर तो वैसे ही मानसून की एंट्री, धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और वक्त के पहले उसकी एंट्री हो चुकी है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश के जो कई क्षेत्र जहाँ पर बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, वहाँ पर भी अब मानसून की दस्तक जल्द ही होने वाली है और आसार जो है पूरे तरीके से बन चुके हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 17 से 20 जून के बीच में मानसून जो है एक सही वक्त पर आ ही जाएगा। जी हाँ, और अनुमान जताया गया था, जिस तरह से लग भी रहा है कि अब जो है बादल के अंदर पूरी गाली घटाएं जा चुकी है, जो बादल है पूरे काले हो चुके हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलने के बाद में जो बौछारें पहले शुरू होगी और उसके बाद में बारिश भी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से आपने जाना, जो एक ताज़ा अपडेट है कि अब जो है मानसून की दस्तक लग रही है और नीमच के आसपास के क्षेत्रों में बारिश शुरू हो चुकी है, और अनुमान जताया जा रहा है कि आज या कल में मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय वक्त में सही हर क्षेत्र में बारिश जो है अब शुरू हो जाएगी और मानसून आ जाएगा। हाँ, जिस तरह से आप जान रहे हैं, इस तमाम जानकारी और लगातार अपडेट्स के लिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।